Today we see page number 44, mental ability. आज हम लोग पेज नंबर 44 में ये मेंटल एबिलिटी कुछ सॉल्यूशन है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड डैश एंड द रिजल्ट ऑब्टेंड इज कॉल्ड द डैश. The numbers to be added are called addendums and the result obtained is called the sum. जैसे हम लोग कोई चीज ऐड करते हैं उसको बोलते हैं addendums और जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सम, है ना. सेकेंड है, द सम ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज, द सम ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज. The sum of two numbers does not change when the order of addendums is changed. क्वेश्चन नंबर थ्री, 1185 और उसके बाद है आगे यहां फिलिंग द ब्लैंक प्लस 8126. मतलब दोनों साइड को हमको क्या करना है, इक्वल करना है ना. 8126 प्लस 1185 और यहां 8126 में ये 1185 ऐड करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाए, दोनों साइड का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, है ना. ये दोनों को हम अगर ऐड करके देखते हैं, है ना, और ये दोनों को ऐड करके देखते हैं तो दोनों साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. 1365 प्लस 1365. अब आप यहां देख लीजिए 1365 में क्या ऐड करेंगे जो 1365 हो जाएगा, किसको जीरो, है ना.
सिक्स थ्री वन 1365। यहां तक तो क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। 1245 प्लस ये बॉक्स है, वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव प्लस फिल इन द बॉक्स इज इक्वल टू 1875। 1875 प्लस फिल इन बॉक्स। अब आप यहां ध्यानपूर्वक देखिए, 1245 प्लस फिल इन द बॉक्स इज इक्वल टू 1875। अब दोनों साइड को बराबर करना है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 1445 में अगर हम 1875 ऐड करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, 1245। हम इस दोनों को अब ऐड करके देखते हैं, 1245 प्लस 1875, 5 5 10 4 7 11 1 12 का 2 8 2 10 1 11 का 1 1 1 2 1 3। अब इस साइड का भी ऐड करके देखते हैं, 1875 1245, इसको भी ऐड करके देखते हैं, 0 2 1 3, है ना, यानी दोनों साइड का वैल्यू क्या करना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐड है, अब इसको 11 तक तो ऐड ही है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 11 तक।
नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? जीरो। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? जीरो। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? नाइन। तो वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर टेन। वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर एट जीरो। टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर थ्री जीरो। थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1000, है ना। फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 1000। और इसी प्रकार वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1999। टू डिजिट का, थ्री डिजिट का 999। फोर डिजिट का 9999। तो ये सब चीज आप लोगों को पिछले क्लास में पहले भी हम कई बार समझाए हुए हैं, लेकिन पुनः हम आप लोगों को याद दिला दिए हैं। तो यहाँ का कहता है सम ऑफ द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर 9999। इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इक्वल टू 9999। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर नंबर 1000। अब दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। 10999। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब यह ध्यान पूर्वक दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर का एड क्या होगा, यानी सम क्या होगा। तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर 9999, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 1000, तो ये 10999। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें वो भी ऐड है, उसके बाद जो है सो सक्सेसर ऑफ 9000 9, जैसे 15 में है वो कहता है। देखिए 13 14 ऐड है, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। सक्सेसर ऑफ 9099।
सेसर ऑफ 9999 इज इक्वल टू, देखिए सक्सेसर आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर है, जैसे इस नंबर का आपको सक्सेसर ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे। वन ऐड करने के बाद 9110 वन 9100 धन्यवाद।